ये लोग कितने भी अटैक करें, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर। सर मेरे पास एक आइडिया है। सलमान खान की पिक्चर टाइगर 3 12 नवंबर को रिलीज हो रही है। ट्रेलर आ चुका है, एक गाना भी रिलीज कर दिया गया है। पिक्चर का माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म की अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट है और एडवांस बुकिंग 5 नवंबर को शुरू होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है। इसके लिए सलमान खान ने कुछ स्पेशल प्रोमोज भी शूट किए हैं। इन्हें खास करके भारत के मैच के दौरान चलाया जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है शाहरुख खान का कैमियो। सलमान शाहरुख सीक्वेंस की हर कुछ दिनों में एक खबर आ ही जाती है। इसके जरिए उत्सुकता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। अब ऐसी ही एक खबर सामने आई है, इसमें बताया गया है कि पठान अपने साथी टाइगर को बचाने के लिए बम फेंकेगा। दरअसल टाइगर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। इस यूनिवर्स में शाहरुख खान की पठान ऋतिक रोशन की वॉर भी शामिल है। शाहरुख खान टाइगर 3 में रॉ एजेंट पठान के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में सलमान शाहरुख खान का एक जोश भर देने वाला एक्शन सीक्वेंस होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से पठान में टाइगर ने पठान को बचाया था, उसी तरह इस टाइगर 3 में पठान टाइगर को बचाने आएगा। टाइगर 3 में जो जेल तोड़कर निकलने वाला सीक्वेंस है, उसमें सलमान खान और शाहरुख खान बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान से भिड़ते नजर आएंगे। इस सीक्वेंस का हाई सेलिंग पॉइंट है टाइगर और पठान का बाइक चेस सीक्वेंस। ये एक ब्रिज पर घटित होगा। ये वाला हिस्सा दर्शकों के लिए विजुअल डिलाइट की तरह होगा। शाहरुख और सलमान साइड कार के साथ शोले स्टाइल वाली मोटरसाइकिल में नजर आएंगे। शाहरुख गाड़ी चलाएंगे और सलमान साइड कार में बैठे नजर आएंगे। ऐसी जानकारी है कि ब्रिज एक्शन सीक्वेंस दर्शकों की होश उड़ा देगा। बतौर पठान शाहरुख खान की टाइगर 3 में एक जोरदार एंट्री होगी। सलमान का कैरेक्टर गुंडों से घिरा होगा, ऐसे में शाहरुख किसी गेंद की तरह फ्लोर पर बम फेंकेंगे। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि शोले वाली बाइक पर शाहरुख होंगे, बम फेंकने के तुरंत बाद शाहरुख सलमान की ओर अपना हाथ बढ़ाएंगे और तुरंत लकड़ी की बनी साइड कार में बैठ जाएंगे। टाइगर 3 में शाहरुख और सलमान वाला सीक्वेंस लगभग 25 मिनट का होगा। ये किसी भी फिल्म का बहुत बड़ा चंक है। अगर ये खबर सही निकलती है तो पठान से 15 मिनट ज्यादा लंबा सीक्वेंस टाइगर 3 में शाहरुख सलमान को एक साथ मिलेगा। पठान में सलमान खान का करीब 8 से 10 मिनट का कैमियो था। शाहरुख खान का टाइगर 3 में 25 मिनट का कैमियो होगा। खैर जो भी हो, फिल्म आने पर ही मालूम चल पाएगा। टाइगर 3 दिवाली के मौके पर 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। इसमें सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेवती, कुमुद मिश्रा, रणवीर शौरी और रिद्धि डोरे जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।